द रिपब्लिकन टाइम्स। खबर ही नहीं, विश्लेषण भी। मधेपुरा में मुहर्रम के दौरान उपद्रव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को नामजद करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया है और 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि मुहर्रम के दिन आपस में 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद आपस में ही जमकर लाठी डंडे और रोड़ेबाजी हुई, जिसमें एक पुलिस कर्मी सहित कई लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद उदा किशनगंज SDM SZ हसन दल बल के साथ फौरन ही मौके वारदात पर पहुंचकर बिगड़ते हालात को काबू में किया और फिर मजिस्ट्रेट को त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। मामले की जानकारी देते हुए मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने बताया कि उदा किशनगंज थाना अंतर्गत 16 जुलाई को यानी मुहर्रम के मौके पर शाम के वक्त उदा किशनगंज बाजार स्थित रैनगाह पर 2 गुटों के बीच करतब दिखाने के दौरान हुए विवाद को लेकर आपस में ही लाठी डंडा एवं रोड़ेबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। बीच बचाव एवं समझाने के बावजूद लोग प्रशासन की बात नहीं माने और प्रशासन पर ही रोड़ेबाजी कर दिए, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में फिलहाल 10 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 गुट अपने अपने कर्तव्य का मुजाहिरा कर रहे थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों गुट आपस में ही लड़ गए और फिर लाठी डंडे और रोड़ेबाजी दोनों तरफ से शुरू हो गई, जिसमें वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इस हादसे में एक पुलिसकर्मी सहित कई लोग जख्मी हो गए। हालात को काबू में करने के लिए मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही उदा किशनगंज SDM SZ हसन अपने दल बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचे और सख्ती के साथ साथ हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हुए किसी तरह हालात को काबू में किया और रणगा में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद दंडाधिकारी द्वारा कुल 16 लोगों को नामजद करते हुए 2 दर्जन से अधिक अज्ञात के विरुद्ध उदा किशनगंज थाना में मामले को दर्ज किया गया। दूसरी तरफ मामला संज्ञान में आते ही मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने उदा किशनगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी एवं अन्य माध्यम से उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए गहन छापेमारी कर दोनों पक्षों से कुल 10 व्यक्ति को गिरफ्तार किया और आज सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और वहीं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की छापेमारी जारी है। कर्तव्य दिखाने का कार्यक्रम उदा किशनगंज थाना अंतर्गत एक जगह पे चल रहा था, उसी में 2 कर्तव्य दिखाने वाले ग्रुप थे, वो आसपास के ही गांव के थे। एक ग्रुप था, गांव का नाम है अखाड़ा रामपुर खोड़ा, और दूसरा था जो गोरपार टोला का है। तो ये दोनों अपने कर्तव्य दिखा रहे थे, इसी क्रम में जो है इनके बीच में कहा सुनी हो गई और कर्तव्य दिखाने के दौरान ही जो है ये दोनों गुटों में आपस में जो है लाठी डंडा या रोड़ेबाजी जो है होने लगा। इसको प्रशासन जो था वहीं पे मौजूद था, तो प्रशासन के पदाधिकारी और पुलिस के पदाधिकारी जो भी थे वहाँ पे, वो लोग मिल के उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु ये कुछ युवक थे, ये उग्र हो गए थे। उसी वक्त वहाँ पे वीडियोग्राफी और इत्यादि जो कार्य चल रहा था पूरे इवेंट का, उसी से हम लोग आइडेंटिफाई करवाए कि ये लोग कौन थे। उसी ये जो एक दूसरे पे अटैक किए थे लाठी वाले से, तो उसमें रोड़ेबाजी में हमारा एक पुलिसकर्मी है, उनका नाम रविरंजन है। उनकी आंख के पास जो है एक रोड़ा या कोई प्रोजेक्टाइल जो उन्होंने मारा था वो लग गया था, जिसके चलते उनकी जो है आंख में स्वेलिंग आ गई थी। उसके उपरांत उनको बेहतर उपचार के लिए जो है आई स्पेशलिस्ट के पास जो है भेजा गया। उसके बाद जो है प्रशासन के द्वारा इनको चिन्हित किया गया और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इनको चिन्हित करते हुए वीडियोग्राफी जो करवाई थी उसी में इनका अवलोकन करके तो इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और कल पूरा अभियान चला के इनमें से 10 को जो है अरेस्ट किया गया है। जो केस किया गया है वो केस नंबर उदा किशनगंज थाना अंतर्गत 229/24 है। ये केस
इस केस में कुल 16 व्यक्तियों के विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है और लगभग 25 से 30 अज्ञात भी चिन्हित किए गए हैं जिनकी पहचान करवाने हेतु हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। तो ये जो पहला लॉट है गिरफ्तारी का, ये 10 लोगों की गिरफ्तारी है। इनके नाम हम बता देते हैं आपको, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद संजीर, मोहम्मद सादिर, मोहम्मद ग्यास, मोहम्मद रहमत अली, मोहम्मद शहादत, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद सलमान। इस पूरे जो अभियान है इसको लीड कर रहे हैं SDPO उदा किशनगंज अविनाश, और साथ में SHO उदा किशनगंज, और हमारी जो टेक्निकल टीम है और आसपास के जो है थानाध्यक्ष हैं। ये जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं सबके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम लोग करेंगे और लगातार इनको हम जो है रेड छापेमारी करके हम इनको जेल भेजेंगे। और इसी के साथ मैं ये भी कन्वे करना चाहता हूँ मीडिया के क्रम में कि इस घटना को लेके कुछ व्यक्ति हमने चिन्हित भी किए हैं जो कोई अफवाह फैला रहे हैं या प्रशासन या जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसमें किसी प्रकार से भी जो है वो अगर बाधा डालने का प्रयास करेंगे तो उनको भी जो है ये हम लोग वार्न करना चाहते हैं कि अगर एक भी ऐसा हमारे पास एविडेंस आता है कि वो या कोई भी हो विधि व्यवस्था के संबंधित जो है गलत न्यूज़ फैलाएगा या अपमानजनक या आपत्तिजनक कोई वो करेगा तो उसको भी जो है हम लोग चिन्हित करके जो भी कानूनी प्रावधान है हम उनका पूरा भरपूर उपयोग करके उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हम करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट लॉट है 10 अरेस्टिंग है, इसमें आगे 6 लोग और हैं और उसके अलावा भी जो है कुछ लोग हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो लोग भी संलिप्त होंगे उन पे आगे भी शिकंजा हम लोग कसते जाएंगे। तो इससे जो ये थे जो घायल थे जिनका नाम रविरंजन है तो उनके संबंध में भी जो है उनका भी हम लोग आगे बयान लेंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो भी हम आगे बढ़ाते जाएंगे।